हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखो भाई, नोटिस तो आ गया है, 9 अगस्त से एग्ज़ाम है, लेकिन एक चीज़ और समझ लो, घबराओ मत, डरो मत, सब कुछ आपके हाथ में है, कुछ हाथ से निकला नहीं है। देखो सब लोग तो ये बता रहे कि 9 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, अगर मैं ये कहूँ कि 9 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, तो वैसे तो देखो आपको जितना टाइम मिलेगा आपके लिए बहुत कम ही है। 9 अगस्त को नहीं होगा तो 10 को होगा, 12 को होगा, 13 को होगा, जितना भी आपको टाइम मिलेगा वो सब कमी है। इसलिए मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा मज़ा आए लेकिन आपके आपको सज़ा ही मिलेगी उसमें, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा, पर उस टॉपिक को नहीं मुझे बताना है। मुझे बताना है कि आप 9 अगस्त उसने बोला है और हमको भी 9 अगस्त ही मानना है एग्ज़ाम को, और अभी से लगभग 15-16 दिन है मोटा मोटा। अब आपको करना क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये है सबसे बड़ा कि सबका एग्ज़ाम एक दिन में हो जाएगा क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी क्या 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा क्या? ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि देखो, रेलवे ने नोटिस में लिखा है कि 9 अगस्त को आपका फर्स्ट स्टेज का CVT होगा, जो कि 75 क्वेश्चन होंगे जिसमें, और उससे 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। सिर्फ यही चीज़ उसने लिखी है और कुछ नहीं लिखा है। देखो आपको ये मानना है कि हाँ, रेलवे 9 अगस्त को ही पूरा एग्ज़ाम कराएगा सभी बच्चों का। आपको ये नहीं मानना है कि 9 को होगा, फिर ए वालों का 10 को होगा, बी वालों को 12 को होगा, सी वालों को, ऐसा तो ये तो अफवाह फैलाई जा रही है कि अल्फाबेटिकल होगा, अलग अलग दिन होगा। भाई रेलवे ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, आपको यही मान के चलना है कि आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को है, 4 दिन पहले आपका एडमिट कराएगा। चाहे, क्योंकि देखिए ALP टेक्नीशियन का तो शायद कोई बोर्ड नहीं मांगा था कि आप स्पेशली चंडीगढ़ से भर दो या फिर इधर से भर दो, वो आपको अपना एड्रेस वगैरह शायद उसमें फिल करना था, उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा आपके होम टाउन में, उसमें कोई जोन नहीं मांगा था ALP टेक्नीशियन में, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक ये हो गया कि आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को है, चाहे आपका एग्ज़ाम अलग अलग दिन हो, अलग अलग शेड्यूल पे हो, क्योंकि देखिए रेलवे के पास पैसा बहुत सारा हो गया है, बहुत सारा पैसा मिला है, इस पैसे से उसने, क्योंकि एक इलेक्शन का मोटो है, इलेक्शन से पहले उनको ये कराना है, उनके पास एक बहुत बड़ा बर्डन है, और इलेक्शन में जीतना भी है सरकार को, तो सरकार इलेक्शन के लिए तो कुछ भी कर सकती है, इलेक्शन के लिए वो लोगों को अच्छे अच्छे फायदे दे सकती है, एक दिन के लिए ट्रेन फ्री कर सकती है, एक दिन के लिए हवाई जहाज फ्री कर सकती है, तो क्या एग्ज़ाम नहीं करा सकती इलेक्शन के लिए? क्यों नहीं करा सकती है? और ये चीज़ तो हो सकती है, ट्रेन फ्री, हवाई जहाज फ्री, एक बार सोचने को बनता है कि ये फ्री हो जाएगा तो कितना लॉस होगा, लेकिन ये एग्ज़ाम तो उनको कराना ही है, चाहे वो साल भर लगाएं चाहे एक दिन में कराएं, वो तो एक रियल चीज़ है, काम करना ही करना है, चाहे आप धीरे धीरे करो चाहे तेज से करो। इसलिए क्यों ना इसको एक झटके से, एक सटीक तरीके से, अच्छे से, जहाँ लोग 6-6 घंटे काम करते थे एम्प्लॉय, वहाँ उनसे 12-12 घंटे, 18-18 घंटे वर्क लिया जाए और जल्दी से काम किया जाए, तो ये हो सकता है। 9 अगस्त से आपका एग्ज़ाम शुरू है और हो सकता है 9 ही अगस्त को आपका ही एग्ज़ाम हो, तो अभी आपके पास हैं 15 दिन। ALP टेक्नीशियन वालों, आप समझो कि आपको 15 दिन में करना क्या है, ठीक है। बहाने मत मानना कि हमारे पास किताब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं कितने लोगों को प्रोवाइड करूँगा मुझे खुद नहीं पता, और हर आदमी अपनी मदद खुद कर सकता है, अगर एक आदमी सबकी मदद करेगा तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएगा, आप अपनी मदद खुद कीजिए, टाइम बहुत कम है, जो मिलेगा जैसा मिलेगा उसमें संतुष्ट रखना और उसी को दिल से मान लेना कि यही मेरा है और इसी में से आएगा। पहली चीज़ लोको पायलट और टेक्नीशियन वालों के लिए ये है कि वो जिस जॉब के लिए आपको बुला रहा है उस जॉब में वो ये नहीं आपसे, वो कौन सा काम कराएगा, ट्रेन चलवाएगा और सिग्नल मेंटेनेंस वगैरह ये जो होते हैं टेक्निकली चीज़ कराएगा, तो क्या इस काम को करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि दूध क्यों फटता है, यानी कि बायोलॉजी के प्रश्न या फिर बायोलॉजिकल टर्म आपको जानना जरूरी है क्या? नहीं, वो आपसे टेक्निकली ही ज्ञान पूछेगा। टेक्निकली ज्ञान मतलब कि आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के दबा के प्रश्न होंगे, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि कितने नंबर फिजिक्स के होंगे, कितने नंबर केमिस्ट्री के होंगे, बहुत पहले बताया था, लगभग 2 महीने पहले मैंने बताया था आपको फिजिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे। तो एग्ज़ाम को 2 पार्ट में बांट दो, एक पार्ट पूरा पूरा गणित और रीजनिंग, गणित रीजनिंग और करंट अफेयर का रख दो, ठीक है, ये 3 सिलेबस, और एक पार्ट में आपको पूरा पूरा साइंस रखना है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखना है, यानी कि 75
का अगर आप आधा करते हो तो 36 37 नंबर का आपका साइंस होगा और 37 ही नंबर में आपका फिजिक्स मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर होगा। अब 37 नंबर में आपको क्या ज़्यादा आएगा क्या कम आएगा, देखो 37 नंबर में न्यूमेरिकल के केमिस्ट्री के क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फिजिक्स के क्वेश्चन वो ज़्यादा होंगे, समझ लो 50-50% फिजिक्स केमिस्ट्री होगा और थोड़ा 2-4% बायो के क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो बहुत बनने के चांस होते हैं वो होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपका न्यूमेरिकल आपने जो प्रैक्टिसर खरीदा है उसको पढ़िए। आपके पास अभी तक क्योंकि देखो अब 15 दिन बचे हैं, अब आप ये मत कहना कि अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ और अब मैं सारी चीज़ें खरीदूंगा, नहीं, आपने पहले खरीदा होना चाहिए। आपके पास कोई ना कोई साइंस की एक नॉर्मल पुस्तक होनी चाहिए थी, अगर नहीं है कोई बात नहीं, लूसेंट की अभी जाओ मार्केट से खरीद के लाओ और पढ़ो। ऑब्जेक्टिव वाली लूसेंट लाओ, थ्योरी वाली मत लाना क्योंकि उतना टाइम नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाली लाओ और ऐसा पढ़ो कि जीवन का आखिरी एग्जाम है, ऐसा पढ़ो कि जीवन का आखिरी एग्जाम है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक लाओ, साइंस में बायो में ज़्यादा फोकस मत करना, फिजिक्स केमिस्ट्री में फोकस करना। ठीक है, ये तो हो गया आपका साइंस पोर्शन, इसी तरीके से कंप्लीट करना। कुछ सीखने का टाइम नहीं है, सिर्फ पढ़ने का टाइम है, सीखे हुए है तो हाथ से निकल जाएगा, सीखना कुछ नहीं है, पढ़ने का टाइम है। रिवीजन जिनको करना है वो उनके पास, उनको पता है उनको क्या करना है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो चीज़ अभी तक आपने की है उसको फास्ट फॉरवर्ड में रिवीज कर लेना है आपको। ठीक है, साइंस हो गया, अब आते हैं हम मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर में। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा आजकल के एग्जाम में क्या होता है कि करंट अफेयर बेस्ड एग्जाम हो गया है, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपके पास कोई ना कोई, आप जरूर अभी तक कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे थे या यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब से आपने नोट्स बनाए उसको पढ़ो। अगर करंट अफेयर में भी आपने कुछ नहीं किया है तो कोई भी मैगजीन खरीदो जिसमें 1 साल का करंट अफेयर होगा। 1 साल का मतलब इतनी मोटी किताब नहीं होती है, सिर्फ इतनी मोटी होगी, उसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर होता है। चाहे स्पीडी का करंट अफेयर खरीदो, चाहे अरिहंत का खरीदो। लाइट चली गई है तो अंधेरे में बातचीत होगी, अंधेरे में क्यों होगी, खिड़की खोल लेते हैं। ठीक है, तो बाहर थोड़ा काम हो रहा है इसलिए आवाज आ रही होगी खराब, तो अभी ऐसे ही सुन लो कि करंट अफेयर इस तरीके से कंप्लीट करना है। उसके बाद बात आती है रीजनिंग। रीजनिंग आपको नॉर्मली जैसे आप पढ़ रहे थे सारे चैप्टर के, आप दो दो चार चार प्रश्न बनाओ और प्रैक्टिस सेट में जो रीजनिंग मिलती है वो बनाओ, क्योंकि 15 दिन बचे हैं भाई, 15 दिन बचे हैं। इस तरीके से करो कि सारा चीज आपको खाना है, सब कुछ खत्म करना है। और मैथ आपको पता है क्या करना है, शुरू जो कर रहे हो उनसे कुछ नहीं होगा, जिन्होंने कर रखा है बस उसी पे स्ट्रेटजी बनाओ। मैथ के स्पीडी की मैथ की बुक आती है रेलवे की, उसमें से मैथ बनाओ। अगर वो किताब नहीं है तो आर एस अग्रवाल है, आर एस अग्रवाल के हर चैप्टर के 10 10 पाँच पाँच प्रश्न बनाओ। वो भी नहीं है कोई एसएससी लेवल की किताब है तो उसमें से टाइप 1 के क्वेश्चन बनाओ हर चैप्टर के, बस। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि 15 दिन में आप 100 से 150 प्रैक्टिस सेट लगा लो रेलवे के, एक तरीका तो ये था। और एक तरीका ये है कि 15 दिन के अंदर आप 100 से 150 प्रैक्टिस सेट खत्म कर दो, चीटिंग कर करके, देख देख के, मतलब इतनी सारी पुस्तकें खरीद लो मार्केट से प्रैक्टिस सेट की और उसमें से साइंस साइंस के प्रश्न, करंट अफेयर के प्रश्न वो सबको रीड कर लो, नकल मार मार के देख लो, और मैथ के प्रश्न का सॉल्यूशन जैसे किया उसको सेम टू सेम सीख लो, किस तरीके से सॉल्यूशन किया है, रीजनिंग किस तरीके से बनाई है वो सीख लो। यानी कि डेढ़ जितना हो सके मैक्सिमम 200-300 प्रैक्टिस सेट जितना आप लगा सकते हो उतना लगाओ। एक किताब में मैक्सिमम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट मिलता है। अब आप देख लो कि आपको कितनी किताबें खत्म करनी है 15 दिन में। इससे अलग चीज और कोई कुछ नहीं बता सकता और कुछ कर भी नहीं सकते हो आप। अभी क्या है, थोड़ा सा मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा था, नेटवर्क नहीं था, नहीं तो मैं और भी कुछ बताता, और अभी लाइव भी चली गई है तो इसलिए वीडियो यहीं खत्म करूंगा। दोपहर तक या शाम तक मैं फिर से वीडियो अपलोड करूंगा और इसी टॉपिक पे मैं आपको और कुछ बताऊंगा। अभी आप ये करिए, खाली मत बैठिए, ठीक है, ये करिए, लूसेंट की बुक ले आइए, उसमें साइंस कवर कीजिए, ऑब्जेक्टिव वाली, ऐसी लूसेंट की बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाली, साइंस ले आओ जिसमें वन लीनियर क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ो फटाफट फटाफट पढ़ के खत्म करो। मैथ के आर एस अग्रवाल बनाओ, अबे यार अंधेरा हो जाता है। चलो ठीक है, अभी यही खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइव चली गई है। बाकी शाम तक आपको फिर से मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा और यही स्ट्रेटजी है, इसी स्ट्रेटजी पे काम करो, 15 दिन समझ के चलो, सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।